सबसे पहले शहीदों को नमन करता हूं और करता हूं आज के चैप्टर की शुरुआत। देखते हैं आज वाले चैप्टर में क्या है। आज हम करेंगे 17.6, यानी कि इसमें करेंगे आज मीडियन यानी माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, बात मेरी समझ रहे हो, माध्य ज्ञात करना है। और सबसे पहला क्वेश्चन ये है, निम्न चरों का माध्य ज्ञात करना है। जब भी हम माध्य ज्ञात करते हैं तो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ फॉर्मूलों के बारे में। जब भी हम माध्य ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना है कि बीच के दो पद यानी बीच का पद आ जाएगा, या तो बीच का पद आ जाएगा। अगर जो आपके चर है वो नॉर्मल है तो आपका जो बीच का पद आ जाएगा, और वैसे नहीं आ रहा तो क्या दो बीच के पद दोनों को जोड़ के दो का भाग देना है तो वहां से आप निकाल सकते हो। एक तरीका देखो कैसे है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले पहला सवाल है, ये दे रखा है, सबसे पहले तो आपको लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने पर जब हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं यानी कि बड़े से छोटे से बड़ा अगर हम लिखते हैं, पहले सबसे पहले देखो इसमें छोटा कौन सा है, ये लिखा 13, ये छोटा है। 13 के बाद में देखो कौन सी संख्या है, 19 है। 19 के बाद में कोई संख्या आ रही है क्या, 19 के बाद में है 20, 20 के बाद में है 25, 19 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 25 के बाद में देखो कोई संख्या 26, 26 के बाद में 28 है, 28 के बाद में 29 है नहीं, 30 भी नहीं है, 31 भी नहीं है, 32 है क्या, नहीं है, उसके बाद में है 33, 33 के बाद में 34, 34 के बाद में 35 नहीं है, 34 दो बार है आपका, 34 आपका दो बार है, देखो एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, 34 के बाद में देखो सीधा है आपका 36। देखो इसको मैंने आरोही क्रम में लिख दिया। ठीक है, अब आरोही क्रम में लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, जो मीडियन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि अब देखो इसमें सीधा सीधा पता चल रहा है, देखो चार तो मैंने इस साइड छोड़ दिए, चार इस साइड छोड़ दिए, दो जो बीच वाले आ गए ना इनको जोड़ूंगा और दो का भाग लगा दूंगा। और वैसे अगर इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है तो देखो क्या है, एन बटे टू वा पद, एन बटे टू वा पद और प्लस में एन बाई टू प्लस वन वा पद, क्या मेरी बात समझ रहे हो, बटे में दो। अगर आपको फॉर्मूले भी आधारित रहना है तो फॉर्मूला ये है कि एन बटे दो वा पद, एन पद कितने हैं, टोटल पद है चार, चार आठ दो दस पद हैं, दस बटे दो यानी कि पांचवा पद, और पांच बटे दो यानी कि दस बटे दो प्लस एक यानी छठा पद, तो पांचवा पद ये रहा, छठा पद ये रहा, फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी लग रहा है। और वैसे क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, या तो अगर नौ संख्या है या सात संख्या विषम में है तब तो आपको क्या करना है, बीच वाली संख्या का चयन करना है। अगर ऐसे नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि दो बीच वाली चूज कर लेना। ठीक है, दोनों साइड में आपको बराबर छोड़ देनी है, बीच वाली चूज कर लेना और दो का भाग दे देना। और भी डीपली क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना है एन बाई टू वा पद प्लस एन बाई टू प्लस वन वा पद और बट्टे में दो। आगे जब हम इसको करते हैं तो हमारे पास पद जो है 26 प्लस 28 आता है और बट्टे में आपको करना है दो। देखो 26 दूनी 52 और दो कितने हो जाएंगे 54, और 54 बट्टे दो बराबर कितना हो गया 27 आ गया। यानी कि निम्न चरों का जो माध्यक है वो यहां से कितना निकल कर आता है, 27 आता है। करते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, और सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि निम्न चर दे दिए गए हैं और निम्न चरों का माध्यक तो ज्ञात करना है, लेकिन हमने क्या है यहां से एक चर है ना उसको वो रिप्लेस कर रहा है, वो जो 25 है 25 को रिप्लेस कर रहा है 52 से, यानी कि 25 की जगह 52 को काम में लेंगे और नया माध्यक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ध्यान देना है कि जो 25 है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, 52 से, यानी कि अब 25 काम में नहीं लिया जाएगा माध्यक ज्ञात करने के लिए, और अब यहाँ से 52 काम में लिया जाएगा। और उसके बाद में हमको लिखना है आरोही क्रम। आरोही क्रम देखो कैसे हो जाएगा, 19, 19 के बाद में देखो सबसे छोटी संख्या यानी बड़ी हो जाएगी 30, 31, 32 या 35। ठीक है, यहाँ से इतना आने के बाद में देखो कौन सी संख्या आ रही है, 40 है, फिर 51, अब 52 और 59। यहाँ से जो चरों की संख्या है वो कितनी है, 3, 3 6 और 3 9। चरों की संख्या कितनी है लिखो, 9। चरों की संख्या 9 यानी विषम है, तो आपका जो यहाँ पे जो चरों की संख्या है, चरों की संख्या कितनी है, 9 है। चरों की संख्या जब विषम होती है तो आपको पता है क्या करते हैं कि जो मीडियन ज्ञात करते हैं,
मीडियम ज्ञात करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस वन और बट्टे में दो। एन का मान 9 है प्लस 1 है बट्टे में 2, यानी 10 बट्टे 2 यानी कि पांचवा पद आ जाएगा। अब पांचवा पद देखो, यहाँ से 3 तो ये छोड़ दिए, 4 ये छोड़ दिए, और 4 इधर रह गए, यानी बीसवा पद बच गए कितना, 35। जो मीडियन है वो कितना आ जाएगा आपका, 35 आ जाएगा। समझ में आया क्या क्वेश्चन, कैसे किया मैंने वो देखना है एक बार। कि सबसे पहले मैंने इनको आरोही क्रम में लिखा, आरोही क्रम में लिखने से पहले मैंने जो रिप्लेस करवा रहा था नंबर वो रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करने के बाद में जो आरोही क्रम है वो मेरा इस तरफ से बना। ये करने के बाद जो पदों की संख्या है वो मैंने गिनी और कितनी निकली, 9 निकली, और यहाँ से हम सीधा मीडियन ज्ञात करने का फॉर्मूला एन प्लस वन बाई टू लगा सकते हैं, और यहाँ से 9 प्लस 1 बटा 2 यानी कि 5 तक। और यहाँ से हम देखना चाहें तो देखो, 4 पद इस साइड में छोड़ दो, 4 इस साइड में छोड़ दो, जो बीच में बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन यानी माध्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखो आपको अक्ष का मान दे दिया और एफ दे दी, जिसकी बारंबारता दे दी। यहां से आपको कह रहा है कि इसका माध्य ज्ञात करो। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे, माध्य ज्ञात करना है, मीडियन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले निकालते हैं सी एफ। सी एफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे संचयी बारंबारता होता है। और संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जो एफ का नाम मान है वो पहले में तो कॉलम में तो आपका वो का वो लिखा जाता है, उसके बाद क्या करते हैं इनको जोड़ के लिखा जाता है। देखो 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए, ये यहाँ पे 26 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये 52 हो गया, यहाँ पे ये कितना है 20 है ना, तो ये हो जाएगा 72। यहाँ पे देख लेना कितना है, ये हो जाएगा आपका 78, और 10 कितने हो जाएंगे आपके 88 हो जाएंगे, 88 और 7 कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ से हो जाएंगे 95, और 95 में ये जोड़ा तो हो जाएंगे 99। हमने सी एफ का मान निकाल लिया, सीएफ का मान निकाल लिया, जो अंतिम पद है वो आपका कितना आया, 99 आया, यानी कि सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मान बोल दो चाहे एन का मान बोल दो, वो कितना निकल कर आ रहा है आपका 99। यानी कि सिग्मा एफ बटे 2 या फिर एन बाई 2 और बराबर कितना हो जाएगा, 99/2 हो जाएगा। 99 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके आ जाएंगे 49.5 आ जाएंगे, ठीक है 49.5। अब देखना है ये है यहां से कि ये निकला तो अब करना क्या है। अब ये देखो 49.5 मेरा क्या आया है, n by 2 का मान आया है, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, संचयी बारंबारता यानी cf वाला कॉलम देखना है, और संचयी बारंबारता किससे बड़ी, 49.5 से बड़ी। देखो 49.5 से बड़ी जो संचयी बारंबारता वो कितनी है, तो लिख दो यहाँ पे 49.5 से ठीक बड़ी, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यानी सी एफ है वो कितनी है आपकी, 52 है। आई बात समझ में। अब उसके बाद में क्या देखना है, 52 के संगत, 52 के संगत जो अक्ष का मान है वो कितना है, 30 है। 52 यानी के संगत, संचयी बारंबारता के संगत अक्ष का मान देखना है, और वो अक्ष का मान कितना है, 30 है। अक्ष का मान कितना है, 30 है, और अक्ष का मान ही यहां से क्या हो जाएगा आपका, मीडियन हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में, यहां से मेरी बात समझ में आ रही है, गौर फरमाइएगा जरा। सबसे पहले मैंने क्या किया, मीडियन आ गया, देखो एक बार बता देता हूं, रिपीट करता हूं, सबसे पहले एक्स और एफ का मान अगले ने दिया तो मैंने निकाला सी एफ। सी एफ क्या होता है, संचयी बारंबारता होती है। जो एफ का मान रहता है तो पहला का पहला वो जिटीज आ जाता है पहले कॉलम में, रो में, ठीक है। यहां से उसके बाद में क्या करते हैं, जो इसको तिरछा गुणा करते हैं, इसको इसमें जोड़ा, इसको इसमें जोड़ा, इसको इसमें जोड़ा, ये करने के बाद संचयी बारंबारता पूरी निकल गई, ठीक है। उसके बाद में इस कॉलम को यानी एफ का योग करेंगे, या तो एफ का योग करेंगे ना, वो भी आपका इस लास्ट वाले सी एफ के मान के बराबर ही आएगा, ठीक है। यहां से आपका मान 99 है, यानी एन का मान 99 है और सिग्मा एफ का मान भी 99 है, और क्या करते हैं हम, सिग्मा एफ बटे 2 यानी इसमें 2 का भाग देते हैं, वो कितना मान आता है वो देखो, ये मान जितना आता है उससे ठीक बड़ी सी एफ यानी संचयी बारंबारता देखी जाती है, ठीक है, संचयी बारंबारता देखी जाती है। और संचयी बारंबारता की संगत आपको अक्ष का मान देखना रहता है, और अक्ष का मान देखने के बाद आपको पता चलता है कि अक्ष का मान इतना आया, और अक्ष का मान आने के बाद जो अक्ष का मान होता है वही आपका मीडियन यानी माध्य होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो बेटा एक बार कमेंट करना, जिससे मेरे को पता चले कि आपको समझ में आया या नहीं आया।
चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है और आपको इनका ज्ञात करना है, माध्यक यानी मीडियन ज्ञात करना है। अक्ष का मान दिया है, एफ का मान दिया है और परिवार कितने हैं आपके पास, 100 है। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, सबसे पहला काम ये होता है कि हम यहाँ से क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं और संचयी बारंबारता निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से संचयी बारंबारता यानी FAGT लिखा जाता है 10 और उसके बाद में संख्या जोड़ जोड़ के लिखी जाती है। अब देखो कितने हो गए, 4 और 2 यानी 6, यानी कितने हो गए 60, 60 और 7 हो गए 67 और 67 और 5 हो गए आपके 72। यहाँ से अब इसमें ये जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 70 और 10 80, 80 और 7 कितने हो गए 87 और 89 हो जाएंगे। 89 में 6 जोड़ेंगे तो आपके 95 हो जाएंगे, ये 98 हो जाएंगे और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। आ रही बात समझ में, यानी कि पहली टर्म ऐसी की ऐसे जाएगी, उसके बाद में ऐसे क्रॉस जोड़ना है, क्रॉस जोड़ने के बाद हमारा CF का मान कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है या तो आप निकाल लो सिग्मा एफ, देखो सिग्मा एफ निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा 100 आएगा, या फिर जो CF की जो अंतिम वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है वो देख लो और उस वैल्यू को कहते हैं एन, तो एन बराबर भी 100 आएगा। यानी कि ये दोनों वैल्यू, क्या कौन सी वैल्यू, एक तो सिग्मा एफ की वैल्यू और एन की वैल्यू, दोनों वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, सेम आएगी। लेकिन हमें क्या करना है, इससे काम नहीं चलेगा, सिग्मा एफ बटे 2 और एन बाय 2 और ये हो जाएगा, यानी कितना हो रहा है 100/2 यानी कितना आ गया 50 आ गया। यहां से तो एन का मान नहीं पूरा पूरा चाहिए, हमें तो चाहिए एन बाय 2, ठीक है, और एन बाय 2 का मान आ गया 50 आ गया ना 50। अब यहां से हम क्या करते हैं, इससे बड़ी ठीक संचयी बारंबारता देखी जाती है। अब 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखो, उसको गोला ऐसे लगा लो, ठीक है, ऐसे कर लेना जिससे आपको ध्यान में रह जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐड ही होगा, मार्क्स ऐड ही होंगे। यहां से देखते हैं जो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का मान है वो कितना है, 72 है, और 72 के संगत अक्ष का मान, के संगत अक्ष का मान बताओ भाई, अक्ष का मान कितना आ रहा है, 72 के संगत अक्ष का मान कितना है, 2 आ रहा है। यानी कि ये जो अक्ष का मान आता है ना, वही क्या होता है, मीडियन होता है, माध्यक होता है, वो कितना आ गया, 2 आ गया। बोलो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहला काम CF निकाला, CF निकालने के बाद n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता दिखी जाती है, उसके संगत अक्ष का मान देखा जाता है, अक्ष का मान देखा जाता है, वो अक्ष का मान ही आपका क्या होता है, मीडियन यानी माध्यक होता है, ठीक है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं, और यहाँ पे भी आपको अक्ष और एफ का मान दिया है। सबसे पहले बिना कोई समय व्यर्थ करते हुए मैं आपका जो CF निकालता हूँ, CF यानी फर्स्ट वैल्यू तो आपकी सेम टू सेम आ जाएगी। उसके बाद देखो 14 दुनिया 28, 14 3 कितना होता है, देखो इसमें 14 जोड़ देंगे तो ये जाएगा, देखो 8 और 4 हो गए 12 और ये 3 और 1 4, ठीक है। उसके बाद इसको इसमें जोड़ो, 4 और 3 7 यानी 70 और ये हो गए आपके 75, इसमें ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 105, ये जोड़ेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा 125, यहां से हो जाएगा 140, 153 और 160। बोलो कोई दिक्कत हो तो, यानी सिग्मा एफ का मान भी आपका कितना आ जाएगा, 160 आएगा और एन का मान हमने निकाल लिया कितना है, 160, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एन बाई 2 निकालना है, एन बाई 2 या फिर सिग्मा एफ बाई 2 करना है, यानी 160/2 और ये आपका आ जाता है कितना, 80 आता है, 80 आ गया। और उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखते हैं, से ठीक बड़ी 80 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यानी CF का मान है वो बताओ कितना आ रहा है, 80 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वो आपकी 105 है और 105 के संगत, 105 के संगत अक्ष का मान, 105 के संगत जो अक्ष का मान है वो कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, यानी कि हमारा मीडियन कितना हो जाएगा, 35, मीडियन यानी माध्यक है वो कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया क्या, ये 5 क्वेश्चन थे आपके और 17.6 यहाँ पे कंप्लीट होती है। विदा लेना चाहूंगा बिना कोई समय व्यर्थ करते हुए, मिलता हूँ अगले वीडियो में नई उमंग और नई जोश के साथ, फिर नमन करता हूँ शहीदों को और एक बार फिर राम राम सब।